तो गाइस जैसा कि आपको पता था आज कई दिनों के बाद मैंने आज दोबारा व्लॉग बनाया है क्योंकि सबको पता है मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गया है और नए जो पहला सेमेस्टर होता है ना उधर हर किसी को मतलब सही करके असाइनमेंट वगैरह देते हैं ताकि उन्हें पता लगे हाँ भाई यूनिवर्सिटी इस तरह की है। फिर अब 3 हफ्ते हो गए हैं हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुए तो अब ज़रा असाइनमेंट वगैरह कम हो गई थी तो फिर हमने कहा ज़रा घूमने फिरने चलते हैं। आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी थी। ये हमारे पीछे वकास भाई हैं, ये एडेड एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी में ये पहली मरतबा आ रहे होंगे हमारे ब्लॉग में। ये तीसरा सेमेस्टर का चल रहा है। ये है हमारे ना क्या बता रहा है रिहान भाई ये है हमारे रिहान भाई, ये MLT कर रहे हैं इस वक्त एडेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ये हमारे आहद भाई और हुसैन भाई, हुसैन भाई हमारे कर रहे हैं BS एग्रीकल्चर, 5th semester चल रहा है। और आहद भाई हमारे कर रहे हैं MLT और इनका भी 3rd semester चल रहा है इस वक्त। हम अब जा रहे हैं Trail 3 के ऊपर हाइकिंग करने के लिए। बड़ा मूड था क्योंकि अब मौसम भी सही हो गया है, इधर गर्मी नहीं होती ज़्यादा, तो फिर हमने कहा हाइकिंग पे चलते हैं। और तकरीबन पोटोहार वाली हम मेट्रो स्टेशन पे चले थे इस्लामाबाद में और परेड ग्राउंड पे वाले स्टेशन पे हम उतरे थे। अब आगे जा रहे हैं Trail 3 के ऊपर, फिर आपको वहीं पे चल के मिलते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस जैसा कि आपको पता था कि हम हाइकिंग पे जा रहे हैं इस वक्त, मरगला हिल्स हमारे बिल्कुल सामने है, थोड़ा सा यह फासला रह गया है। Trail 3 पे हम जा रहे हैं, सारे भाई साथ हैं, बड़ा लंबा सफ़र होने वाला है। बैग शैग हमारा तैयार है, 3 हमने बोतलें उठाई हुई हैं, बाकी जो चीज़ें खाने पीने की हैं वो वहीं पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो फिर बोतलें पानी वाली बोतलें भाई जान, जी 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 जी, वो जो वहीं से भरी थी हमने, तो ये स्टेशन से भरी थी थोड़ी सी, आपको मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। तो फिर दोबारा आपको मिलते हैं इंशाल्लाह जब हम ट्रेल के ऊपर पहुँच जाएंगे, जब हाइकिंग स्टार्ट होगी उस वक्त दोबारा मैं इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो गाइस इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं इधर ट्रेल के ऊपर और ये देखे लोमड़ियां वगैरह आना शुरू हो गई। अभी मेरे ऊपर तकरीबन अटैक करने वाली थी तो फिर मैं निकल गया। अब आगे ये ट्रेल शुरू हो रहा है, अब हम ट्रेल के ऊपर चल रहे हैं, पानी छानी फिर ऊपर पियेंगे, लंबा रास्ता है, टफ भी है, फिर मिलते हैं उधर ही चढ़ के आपको इंशाल्लाह। तो गाइस ये अब Trail 3 स्टार्ट हो गया तकरीबन, आगे से ये बोल्ड आ गया Trail 3 का और अभी हम ऊपर जाएंगे। अभी खाने के लिए कुछ चीज़ें ले रहे हैं क्योंकि ऊपर बहुत टफ रास्ता है, भूख प्यास वगैरह लगनी है, तो फिर पानी से उधर से ही लेके आते हैं और यहाँ पे आप चीज़ें वगैरह ले रहे हैं खाने के लिए, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस इस वक्त अब हम Trail 3 में जाने लगे हैं, Trail 3 स्टार्ट हो गया है। पहले तो रास्ता आसान है, आगे जाके रास्ता मुश्किल होता जाएगा, तो फिर सारा व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर किसी किसी जगह पे ही व्लॉग बनाएंगे। सारा सब्ज़ा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर बाद में मिलते हैं ऊपर चढ़ के इंशाल्लाह, आपसे दोबारा मिलेंगे। इस वक्त Trail 3 के ऊपर चल रहे हैं, अभी पहले जिन बैठा हुआ था इधर, ठीक है। हाँ यार इधर से चलते, थोड़ा टफ है। ओए वैसे Trail 5 भी है, Trail 2 है भाई। हाँ इस वक्त हम Trail 3 पे हैं, 3 पहाड़ हैं, हम पहले पहाड़ पे चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक पहाड़ तो मेरे ख्याल में अब एंड हो गया, अब दूसरा पहाड़ है ये, अब इनक्लाइंड है, अब इसका एंगल ज़्यादा ऊपर की तरफ है, अब इसके ऊपर ज़रा ताकत लगेगी, देखते हैं इसके ऊपर आप कैसे चढ़ते हैं इंशाल्लाह। इस वक्त आज भी तो किसी और रास्ते से आ गए, ये अब ये जो दूसरा माउंटेन है इसके ऊपर चलना टफ है। ये है भाई इस्लामाबाद का व्यू, अभी पूरा ऊपर नहीं चढ़े और अभी से नजर आना शुरू हो गया है, मजीद देखते हैं आगे चढ़ के। ओए तो गाइस आगे सख्ती बहुत है। ओ, 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 तो गाइस आगे सख्ती क्योंकि बहुत है, पत्थर है सारे यहाँ पे,
तो फिर अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा, सेफ्टी के लिए सही नहीं है, ऊपर चढ़ के वीडियो बनाएंगे दोबारा। तो गाइज हम आपको पता है कि इस वक्त हाइकिंग पे आए हुए हैं। अब एक तो हमने पहाड़ी कर ली है, बड़ा ही टफ रास्ता था, मैंने उधर वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि पत्थर वगैरह थे तो स्लिप होने का खतरा था। अब यहाँ पे रेस्ट एरिया पे पहुंचे हैं, तकरीबन हम सबसे अलग बैठे हैं, रश साइड पे हम, लेकिन हम इधर बैठे हुए हैं, साइड पे बैठे हुए हैं, रास्ते के साइड पे तकरीबन बैठे हुए हैं। अब खाना शाना खा रहे हैं, पानी वगैरह, पानी शानी जो लेके आए थे और खाने की चीजें लेके आए थे वो खा रहे हैं, क्योंकि आगे का रास्ता जरा टफ है, तो फिर हमने कहा पहले खा पी लेते हैं आगे। अब मौसम भी ठंडा हो रहा है, फिर ऊपर आप जा रहे हैं, ये जो मेन टॉप भी नजर आ रही है, इधर जाने हैं तो फिर वहीं में आपको चल के दोबारा मिलते हैं। गाइज अब रेस्ट करके हम आगे जा रहे हैं, रेस्ट कर लिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट बैठे रहे थे वहीं पे, अब आगे जा रहे हैं। तकरीबन मुश्किल रास्ता तो हमने कवर कर लिया था, पिछली जो हिल थी वो बहुत मुश्किल थी, अब वाला रास्ता ये थोड़ा उससे तो मतलब है मुश्किल, लेकिन पहले वाले की नस्बत आसान है। अब यहाँ पे चढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह जब टॉप पे पहुँचेंगे उस वक्त मैं आपको व्यू दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो गाइज इस वक्त तकरीबन हम तीसरी पहाड़ी पर चढ़ने वाले हैं, ये मरगला हिल्स है सारी, ये जो सामने हिल नज़र आ रही है इसके परले साइड पे फैसल मस्जिद है, यहाँ पे तो नज़र नहीं होगी, मैं जूम करके जरा देखता हूँ। हाँ जी वो देखें, वो थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। अब दो पहाड़ियाँ हमने चढ़ रही हैं तकरीबन, और अब हम तीसरी पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। पहली का भी ट्रैक इतना टफ नहीं था, आराम वाला ट्रैक था, दूसरी पहाड़ी का ट्रैक बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब तीसरा ट्रैक भी अभी तक तो आसान जा रहा है, अब लेकिन चढ़ाई आ गया, यहाँ पे तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मैंने पहले देख लिया है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। फिर देखते हैं, बस अब तकरीबन टाइम लगेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर इंशाल्लाह हम टॉप पे होंगे इस मरगला हिल्स की। हम ट्रैक नंबर 3 से जा रहे हैं, आगे ट्रैक नंबर 5 भी ऐप लगेगा, हम उधर से नहीं जा रहे क्योंकि वो आसान था, हमने कहा यार आए वैसे हुए जल्द थोड़ा टफ रास्ता यूज़ करते हैं, फिर आपको चल के मिलते हैं इंशाल्लाह ऊपर टॉप के ऊपर। सीनियर तो मत ना। हाय कुर्बान थी मां अंदर पे आए थई तो फुल ला विच पाग ना तो जोर बन जा ये शोदा सलाई बैठा यो ओए पड़ा लगो एनर्जी खत्म थी सारा ही दिखा रहे हो कैमरा सुना ना पे स्टेटस लाऊं मैं तो फिर ये बुखार है कि नहीं उनका मैं असल यार मैं आशिक मैं बस मर गई ची में मुरने ना पे इंग्लैंड गया बैठा अब भाई देख लो तेरे नेट का मालिक तो गाइज इस वक्त हमारा ट्रायल 3 कंप्लीट हो चुका है, अभी हम नहा सो गए, थोड़ा बहुत पानी खानी पिया है और अब दोबारा नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब बुजुर्गों की तरह आसा उठा लिया है क्योंकि अब चलने की हिम्मत नहीं है, पत्नी कितने किलोमीटर चढ़े हैं और वो भी चढ़ाई थी, फिर अब दोबारा नीचे चलेंगे, यहाँ से ही नीचे जाना है, रास्ता है पड़ा आगे से, वो दोस्त बैठे हुए हैं, फिर नीचे जाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा नीचे उतर के, रास्ते में भी थोड़े बहुत कंटेंट मिलाते चलेंगे इंशाल्लाह।